नमस्कार न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। जोधपुर शहर और देहात महिला कांग्रेस की ओर से सरदारपुरा डी रोड स्थित मोटर मर्चेंट में सावन महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में शहर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं व युवतियां एकत्रित हुई और पूरे दिन धूमधाम से महोत्सव का आनंद लिया। सावन महोत्सव में महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर डीजे की धुनों पर जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में मिस सावन का खिताब किरण चौधरी और मिसेज सावन का खिताब रीना पवार को मिला। इस मौके पर बेस्ट डांसर का पुरस्कार पूजा को और अम्ब्रेला गेम में रानी विश्नोई को विजेता घोषित किया गया। पूर्व विधायक और शहर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीषा पवार तथा महिला कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पटेल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल सहित कई गणमान्य महिलाएं भी उपस्थित रही। समारोह की व्यवस्थापक पार्षद शैलजा परिहार थी और कार्यक्रम का संचालन वंदना साखला और फरजाना चौहान ने किया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर शहर महिला और देहात कांग्रेस कमेटी के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम हमारे कांग्रेस में पदाधिकारी, कांग्रेस से जुड़ी हुई महिलाएं और जोधपुर शहर की विभिन्न महिलाओं द्वारा सावन उत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें तंबोला है, मिस और मिसेस सावन प्रतियोगिता है और जिसमें अम्ब्रेला को चारों तरफ घुमा के जो जिस तरह घुमाया जाता है उस तरह का एक विशेष तरीके का और भी नया कार्यक्रम आया उसको भी हम पेश करेंगे और एक संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे कि जिस तरह सावन महोत्सव है वो महिलाओं के लिए उल्लास भरने का कार्यक्रम है, जिसमें महिलाएं स्वयं की प्रतिभाओं को निखारने का काम करती हैं, वो घर गृहस्थी के काम को पीछे छोड़कर पूरा करकर वो जब आती हैं अपने में खुद में प्रफुल्लित होकर खुद के उत्साह को स्टेज पर प्रदर्शित करती है। ये सावन महोत्सव वो है जिसमें वो अपने अमर सुहाग को भी याद करती है, शिव जी से वरदान मांगती है। इसमें कई तीज त्यौहार भी आते हैं, तीज आती है, नाग पंचमी आती है, हरियाली अमाउस आती है, हम सावन के सोमवार करते हैं और शिव जी की विशेष तरफ से माँ पार्वती की तरह पूजा करते हैं ताकि हमारा भी सुहाग अमर सुहाग हो, सातों जन्म में हमें वही देवता मिले जो इस जन्म में मिला है और इसी कामना के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है और इसी के तहत महिला कांग्रेस भी ये सावन महोत्सव मनाने जा रही है। शहर और देहात मनीषा पवार के सानंदी में इकट्ठे होकर आज सावन उत्सव मना रहे हैं कि हमेशा राजनीति में रहते हैं तो महिलाओं की इच्छा थी कि हम भी सावन उत्सव मनाएं। सारे महिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी हो, चाहे DC जी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे हमारे महापौर जी हो, चाहे विधायक हो, सभी मिलके आज हम सावन उत्सव मना रहे हैं और बड़ा जोश शोर के साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी काफ़ी महिलाएँ आई है और बड़ी उत्साहित है कि हमारे विधायक साहब के सानंदी में आज हम सावन उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों हमेशा वो आज बरसात का मौसम होते हुए भी महिलाएं आई है कि उनको बहुत हर्ष और उल्लास इंतजार रहता है सावन का, क्यों शिवजी पार्वती का ये त्यौहार है जो हमारे देवी देवताओं में मनाया जाता था, वही महिलाएं उसको सांस्कृतिक और उस धार्मिक पर्वती को पैदा करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए हम शिवजी के त्यौहार के हिसाब से अमर सुहा के लिए महिलाएं उमड़ पड़ी है और सावन उत्सव मना रही हैं। सावन में दो तीन त्यौहार आते हैं जो बहुत विशेष है, जैसे मैडम ने बताया नाग पंचमी है, हरियाली तीज है, अभी बहुत हम उत्साहित हैं, इसीलिए हम सभी झूले और काफ़ी प्रतियोगिताएं रखी है, एक गेम रखा है, प्रतियोगिताएं हैं, संगीत हैं, मिस सावन है, मिसेज सावन है, हाउसी गेम है वगैरह, हम सभी खेलेंगे एंजॉय करेंगे और जो फर्स्ट आएगा उनको गिफ्ट देंगे। इसी वजह से आज हम बड़ी खुशी से सावन का त्यौहार मना रहे हैं और सावन उत्सव मना रहे हैं जोधपुर में सभी बहनों का। प्रोग्राम में सबसे विशेष क्या है? इस प्रोग्राम में सबसे विशेष प्रोग्राम तो सब करवाते हैं, कुछ विशेष विशेष ये है कि हम राजनीति में होते हुए भी हम धार्मिक में भी सम्मिलित होते हैं और तीज त्यौहार मनाने के लिए हम भी महिला कांग्रेस भी ऐसे कैसे उत्साहित हैं, पॉलिटिक्स की तरह ऐसे नहीं, हम हमेशा राजनीति करते रहे तो